नमस्कार, फसल सलाह ऐप के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आजकल हमारे फसल सलाह ऐप में जो ज़्यादातर किसान भाई अपने सवाल कर रहे हैं, उसमें एक सवाल काफ़ी सामान्य है कि आलू की फसल में झुलसा रोग का होना। ये झुलसा रोग दो तरह के होते हैं, पछेती और अगेती, और ये सिर्फ आलू में ही नहीं टमाटर के फसल में भी आपको देखने को मिलते हैं। इस फसल में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, जो ज़मीन के ऊपर का भाग होता है, वो उसमें आप सबसे पहले तो धब्बे बनते हुए देखेंगे, भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो आगे चल के काले रंग के हो जाते हैं, और धब्बों की जो साइज होती है वो बढ़ने लग जाती है। इसके साथ साथ जो निचले परत हैं, तने का भाग है, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सफ़ेद फफूंद भी नज़र आती है। तो इससे क्या होता है कि आगे चल के जो कंद का विकास है वो रुक जाता है, और कंद के विकास रुकने से जो टमाटर हो या आलू हो, उसकी जो पैदावार है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और ये नुकसान फिर किसानों को झेलना पड़ता है। अभी मौसम जिस तरह का बनता जा रहा है, ठंडी ज़्यादा हो रही है, पाला पड़ रहे हैं, तो ऐसे में झुलसा रोग का होना स्वाभाविक है, ये होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने फसल को, अपने आलू या टमाटर के फसल को झुलसा से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फसल को पाले के प्रभाव से बचाएं। इसके लिए आपको अपने फसल में, अपने खेत में नमी बना के रखना है। नमी बनाने के लिए आप इसमें हल्की सिंचाई समय समय पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो खेत के चारों तरफ का हिस्सा है, वहाँ आप आग वगैरह जलाते हैं, या सूखी पत्तियाँ वगैरह, लकड़ी वगैरह डाल के आग जलाने का प्रबंध करें। इसके साथ साथ जो भाग, जो सब्जी के जो भी भाग हैं जो ग्रसित हैं इस रोग से, उसको आप छांट कर अलग कर दें, उसको नष्ट कर दें, ताकि जो स्वस्थ भाग हैं उस पर इसका असर ना हो। और साथ ही एक दो मैं दवाई बता रहा हूँ, उस दवाई का स्प्रे ज़रूर करवाएँ। ये जो दवाई है वो बाज़ार में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, इस नाम से एक दवाई आती है। इस दवाई का आधा किलो छिड़काव आपको कराना है एक एकड़ में। ये दवाई अगर नहीं मिलती है, इंडोफिल M45 है, या मैंकोजेब प्लस कार्बेंडा जिम, जो कि साफ नाम से अवेलेबल होती है, UPL कंपनी की आती है, तो इन दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि झुलसा रोग से आपके आलू की फसल या टमाटर की फसल को बचाया जाए। अगर ऐसी कोई भी रोग किसी भी फसल में लगती है तो आपको क्या करना है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फसल सलाह ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने फसल में, कोई भी फसल हो, उसमें जो भी रोग लग रहे हैं, कोई कीट लग रहे हों, किसी भी तरह का प्रभाव आपको दिख रहा है, एक फ़ोटो खींचिए, फसल सलाह ऐप पर भेजिए, और हमारे जो कृषि एडवाइज़र हैं वो आपको मुफ्त सलाह देंगे। नमस्कार।